देख सकते हैं कितने अच्छे रेडी हो चुके हमारे मेडलाइन केक। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज लेट्स कुक विद आफरीन में हम बनाने जा रहे हैं एक टी टाइम केक रेसिपी जिसका नाम है मेडलाइन केक्स। ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो अभी आप ट्राई कर सकते हैं ये न्यू रेसिपी। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 120 ग्राम्स मैदा, 120 ग्राम्स पाउडर शुगर, 120 ग्राम्स बटर जो रूम टेम्परेचर पर है। यहाँ मैंने लिया है 4 टेबल स्पून कोल्ड मिल्क, 2 एग्स रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए हमारे एग्स। अगर आप फ्रिज के ले रहे हो तो उसे एक रात पहले ही बाहर निकाल लेना, अदरवाइज़ हमारा केक जो है वो राइज नहीं होगा, बैठ जाएगा। और यहाँ मैंने लिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ मैंने लिया है वेनिला एसेंस, क्लासिक वेनिला बेकरी इमल्को का, फ्लाइंग बर्ड का है ये, लेकिन आप कोई भी वेनिला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम अब मेथड स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैं लूँगी 120 ग्राम्स बटर, 120 ग्राम्स पाउडर शुगर। अब इन दोनों को हम अच्छे से बीट करेंगे, जब तक ये लाइट फ्लफी और क्रीमी नहीं हो जाता तब तक हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। फुल स्पीड पे मैं रखूँगी। देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो लाइट हो गया है, फ्लफी हो गया है थोड़ा, और एकदम क्रीमी हो गया है, शुगर अच्छे से ब्लेंड हो गया है बटर में। तो अभी यहाँ मैं ये दोनों एग के एग वाइट सेपरेट करूँगी और इसका जो येलो योक है उसे बैटर में डाल दूँगी। योक हम बैटर में डाल देंगे और एग वाइट सेपरेट कर देंगे। सेकेंड एग का भी योक हम इसमें डाल देंगे। अब हम फिर से इसे 2 मिनट्स के लिए बीट कर देंगे। योक को भी 2 मिनट्स के लिए बीट कर लिया है डाल के। अब ये जो हमारे एग वाइट्स है इसे मैंने एक अलग बाउल में लिया था, तो इसे सेपरेटली बीट करेंगे जब तक ये अच्छे से स्टिफ नहीं हो जाते। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे एग वाइट्स जो है इसको मैंने 2 मिनट्स तक बीट कर लिया था। इसे ज़्यादा बीट नहीं करना है, 2 मिनट्स तक बीट करना है। और अगर आपका येलो एक ड्रॉप भी इसमें नहीं जाएगा तो आप देख सकते हैं मैंने बाउल को पूरा पलटी कर दिया है, ये नहीं गिरेगा, ये बिल्कुल नहीं गिर रहा है। आप देख सकते हैं मैंने बाउल को पूरा उल्टा कर लिया, इट मीन्स कि आपका ये जो वाइट है ये एकदम मस्त रेडी हो चुका है। अब हम इसको ये योक मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। ये मेथड करने से आपके एग केक के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो अलग ही होगा, इसलिए हम एग वाइट्स को अलग से स्टिफ कर लेते हैं, इससे केक बहुत ही अच्छा राइज होगा। इसे बीट कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। वेनिला एसेंस डालने के बाद हम फिर से 1 से 2 मिनट्स के लिए इसे बीट करेंगे।
यहाँ जो हमारा 120 ग्राम्स मैदा है इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिक्स कर लूँगी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैदे में मिक्स करने के बाद ये जो हमारा बैटर है, अब हम बीटर नहीं फ्राएंगे इसमें, अब हम 2 स्पून मैदा ऐड करेंगे और कट एंड फोल्ड मेथड करेंगे। इस तरह स्पैटुला से 1, 2, 3 कट्स करके इसे फोल्ड करेंगे। 1, 2, 3 कट्स एंड देन फोल्ड, इसे कट एंड फोल्ड मेथड कहते हैं। तो इस तरह से हमारा मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे 2 स्पून मैदा मिक्स करते रहना है। ये हमने जो 4 टेबल स्पून मिल्क लिया था वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है साथ में और मिक्स करते जाना है जब तक आपका मिक्सचर अच्छे से रेडी नहीं हो जाता। तो यहाँ मैंने 6 मेडलाइन ग्लासेस को अच्छे से ग्रीस कर लिया था बटर लगा के, मैदे से डस्ट कर लिया था। और मेरे पास सिर्फ 6 ग्लासेस है तो मैंने बचा हुआ जो बैटर है उसको मफिन्स के मोल्ड में डाल दिया। तो अब हम इसे बेक करने रख देंगे। इसे सिर्फ 3/4 फिल करना है, फुल फिल नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा राइज होता है तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए इसे 3/4 ही फिल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने टेम्परेचर 180 पे सेट किया है, बेक बटन दबाया है और ये टाइमर रख दिया है। मेरा ओवन जो है वो प्रीहीट हो चुका है, मैंने 10 मिनट्स के लिए 180 पे प्रीहीट करने रख दिया था। तो अब हम इसके अंदर हमारे मोल्ड्स रख देंगे। इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 टू 25 मिनट्स के लिए रखना है। सबके ओवन का अलग अलग होता है, मेरे ओवन में 20 टू 25 मिनट्स जाते हैं। तो आपके ओवन के हिसाब से आप देख लेना, 20 मिनट्स बाद चेक कर लेना, अगर नहीं हुआ तो और 5 मिनट्स उसे रख सकते हैं। और इसे 10 मिनट्स प्रीहीट ज़रूर करना है। तो अब हम 20 टू 25 मिनट्स के लिए इसे रख देंगे। तो आप सब देख सकते हैं हमारे केक्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो अब ये ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसे मोल्ड में से निकाल लूँगी और फिर हम इसका डेकोरेशन करेंगे। तो हमने केक को मोल्ड में से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ डेकोरेशन के लिए मैंने मिक्स फ्रूट जैम लिया था 1 कप, उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून वाटर डाल के गैस पे मेल्ट कर लिया था। तो ये ऐसे थोड़ा सा इसे पतला कर लिया है। यहाँ मैंने चेरीज को हाफ्स में कट कर लिया है और ये प्लेट में मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। तो अब हम हमारे केक को ये जैम में डिप करेंगे। आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जैम भी ले सकते हो, कोई भी फ्लेवर ले सकते हो जो आपको पसंद हो। तरफ से अच्छे से जैम में कोट करना है और फिर डेसिकेटेड कोकोनट में रोल करना है। इस तरह से सब साइड्स पे डेसिकेटेड कोकोनट लगा देंगे और फिर ये हाफ चेरी इसको भी जैम में ऐसे डिप करेंगे और इस पर स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से हम सारे कपकेक्स रेडी कर लेंगे, मेडलाइन केक्स। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे रेडी हो चुके हैं हमारे मेडलाइन केक्स, कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं जैम के ऊपर ये डेसिकेटेड कोकोनट आने पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्स शेयर कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी है afreen_222. थैंक यू।